किंदे तले तू मत मत लाए किंदे तले।
है तू श्रीमती सुदर्शन देवी प्रधान महिला मंडल पांगी श्री भरतलाल कारंगा सचिव जिला कांग्रेस कमेटी किन्नौर एवं पार्टी पॉइंट्स के सदस्य विकास नेगी सचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी किन्नौर विद्या देव नेगी सदस्य जिला कांग्रेस कमेटी किन्नौर श्रीमती कल्पन देवी जी प्रधान ग्राम पंचायत पांगी किशोर कुमार वीडीसी सदस्य पांगी समस्त वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत पांगी प्रेमचंद्र नेगी प्रधान देवसभा पांगी अशोक कुमार नेगी सचिव देवसभा पांगी मुकेश कुमार नेगी पूर्व प्रधान उप प्रधान ग्राम पंचायत पांगी सत्तर कुमार पूर्व प्रधान एसएमसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांगी श्री विश्वकर्मा नेगी सेंटर स्कूल मुख्याध्यापक श्रीमती शारदा देवी सीएचडी जीबीएस लाहौर पांगी विद्या सिंह इंचार्ज थेन पांगी मनोज कुमार इंचार्ज जीपीएस अंडर स्कूल श्रीमती सेना देवी प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पांगी श्रीमती शरीन वर्मा पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पांगी मनोज कुमार प्रधान एसएमसी खंडा स्कूल अंजलि प्रधान एसएमसी लाहौर पांगी गरम भगती प्रधान एसएमसी सेंटर स्कूल पांगी मीनाक्षी प्रधान एसएमसी थेन पांगी व उपस्थित यहाँ इस प्रांगण में समस्त ग्रामवासी बुजुर्ग भाइयों बहनों और माताएं व प्यारे बच्चों जो आपका यहाँ पर ये परितोषी वितरण समारोह का जो आयोजन 2023 चल रहा है इसके लिए मैं आपको विशेष बधाई देता हूँ। मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा भाषण करूँगा यहाँ पर, लेकिन चंद शब्द आपके सामने कहूँगा। इससे पहले कि मैं थोड़ा चंद शब्द आपके सामने कहूँ, मैं हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री किन्नौर के जननायक राजस्व बागवानी एवं जनजाति विकास मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी हिमाचल प्रदेश सरकार का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके बदौलत मुझे ये तीसरी बार इस पद पर नियुक्ति का मौका मिला। वह उनके आशीर्वाद से ही मुझे यहाँ पर इस स्कूल में इस फंक्शन में भाग लेने का निर्देश हुआ। मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। वह साथ ही यहाँ पर चारों एसएमसी स्कूल के प्रधान सदस्यगण व समस्त यहाँ पर विद्यार्थी अध्यापक अध्यापिकाएं द्वारा जो हमें यहाँ आने पर मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं विशेष आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आपके द्वारा चारों स्कूलों के यहाँ बच्चों ने प्रस्तुति दी, इसके खूबसूरती आपने देखा, हमने देखा, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई हो। इस तरह के आयोजन से आने वाले समय में बच्चों में एक आदान प्रदान का माहौल बनता है, जिससे एक दूसरे को देखकर ये सीखने को मिलता है बच्चों को कि वो इस बार जैसे ये अभी प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, तो इसमें ये देखा जाएगा कि बच्चे ये सोचेंगे
कि इन्हें इस बार फर्स्ट प्राइज मिला, मुझे नहीं मिला। इस तरह का आकर्षण बनाने के लिए इस तरह का प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है या किया जाना है। साथ ही इस तरह के आयोजन से एक दूसरे को एक साथ आके मिलकर कार्य करने का मौका मिलता है और मेल मिलाप का समय मिलता है। प्राइमरी स्कूल के यहाँ हमारे मुख्य अध्यापक श्री विश्वकर्मा जी ने जो हमारा वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ के यहाँ इन्होंने जो बताया, उससे यहाँ पर पंगी स्कूल में ऐसा कोई कमी नहीं दिखा जिससे कि हम कह सके इन्हें कि कुछ इसमें और सुधार होना चाहिए। यहाँ पर सभी चार स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाएं व हमारे केंद्रीय स्कूल के मुख्य अध्यापक श्री विश्वकर्मा जी को विशेष बधाई कि आप लोगों के सौजन्य से यहाँ पर जो वार्षिक रिपोर्ट पढ़ा गया उसमें हमारे पंगी स्कूल का नाम काफ़ी अव्वल है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। जहाँ जिस स्कूल में मनोज संत कुमार जैसे अध्यापक स्कूल में हो तो वहाँ पर इस तरह का बच्चों के अंदर आगे बढ़ने का प्रतिभा होना भी निश्चित है, क्योंकि इनको मैं इसलिए विशेष बधाई दे रहा हूँ, इनके द्वारा यहाँ पर फ्री कोचिंग का आयोजन किया जाता है। निःशुल्क ये बच्चों को कोचिंग देते हैं ताकि जो है हमारे स्कूल के बच्चे आगे जाकर अपने भविष्य में कुछ आगे अच्छे स्कूलों में पहुँचे और अच्छा कार्य कर सके। यहाँ पर दो स्मार्ट स्कूल का जिक्र किया गया, हमारे यहाँ पर चार स्कूल है। मैं चाहूँगा हमारे मुख्य अध्यापक से मैं निवेदन करूँगा कि अगले साल से आप विनम्र निवेदन किया जाता है चारों स्कूल को स्मार्ट स्कूल में तब्दील कर शिक्षा को और गुणवत्ता देने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें आपको किसी तरह का कोई अड़चन आ रहा होगा तो हमें बताएं आप, हम इस बात को आगे सरकार तक लेके जाएंगे और आपको जो भी दिक्कत आ रहा होगा इसके लिए हम बात करेंगे। मैं कोई यहाँ से किसी तरह का कोई घोषणा या किसी तरह का वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपके द्वारा जो कुछ भी यहाँ कमियाँ होगा या बताया जाएगा उसे मैं सरकार तक लेके जाऊँगा और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि हमारा पंगी का जो चारों स्कूल है इसमें हर तरह का सुविधा हो और हर तरह का जो भी इसमें कमियां हैं उसे दूर किया जा सके। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आप सभी का पुनः चारों SMC के परिवार, चारों SMC के सभी सदस्यगण और चारों स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाएं व हमारे यहाँ पर प्राथमिक स्कूल के मुख्य अध्यापक श्री विश्वकर्मा जी का फिर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो सम्मान आपने हमें यहाँ आने पर दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।